नशा माफिया के खिलाफ चल रहे उन्ना पुलिस के सघन अभियान के तहत सप्लाई चेन तोड़ने के साथ साथ अब पुलिस ने रिमांड चेन को तोड़ने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का आगाज एसपी उन्ना अरजीत सिंह ठाकुर ने जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल से किया। इस दौरान एसपी उन्ना ने शिक्षकों और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हुए न केवल नशाखोरी के दुष्प्रभावों की जानकारी दी अपितु इसे रोकने में पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत करवाते हुए सहयोग की अपील भी की। बच्चों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करी की घटनाएं भी आतंकवादी घटनाओं के समांतर है। भारत के पड़ोसी मुल्क जो कई बार सीधी जंग में भारत से मुंह की खा चुके हैं, वह अब हमारे देश के युवाओं को नशे के गर्त में डालकर कमजोर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और उसी के तहत देश में इस नशे को फैलाया जा रहा है। इस मौके पर एसपी अर्चित सिंह ठाकुर ने कहा कि पुलिस द्वारा नशा माफिया की कमर तोड़ने के लिए सप्लाई चेन पर अंकुश लगाया जा रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू डिमांड चेन है जो इस नशे की मांग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि समाज में नशाखोरी की जद में आ चुके लोगों की पहचान कर उन्हें पुलिस के संपर्क में लाए ताकि ऐसे लोगों को नशाखोरी जैसी बीमारी से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के खिलाफ चल रहे पुलिस के अभियान में सहभागिता दर्ज करनी होगी ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। आज हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम डोर टू डोर जाके ड्रग्स के खिलाफ किस तरह से हम एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट समाज के ले सकते हैं, उसके ऊपर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो डिमांड साइड को एड्रेस करना, ये क्योंकि ड्रग्स जो है हमारे यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई साइड पर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, डिमांड साइड पर हम बच्चों के बीच में जाके, अभिभावकों के बीच में जाके, टीचर्स के बीच में जाके उनको अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप सबसे पहले ये समझें कि ये एक्टिविटी जो ड्रग सप्लाई की है उसको अंकुश लगाना किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं वो अगर किसी तरह की लत में पड़े हैं तो उनको किस तरह से हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको ठीक कर सकते हैं ताकि वो इस बुरी आदत से बचें, और साथ ही साथ एक फिजिकल फिटनेस का कल्चर जो हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में और आम जनता में बढ़ना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने आज ही आगाज किया है इसका। और ये पूरे ऊना जिले में अलग अलग जगहों पे जाके व्यापार मंडलों में, घरों में, पंचायतों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके जो है हम ये कंटिन्यू रखेंगे। कब तक ये अभियान ये अभी यहाँ से कंटिन्यू है, इसकी स्टार्ट डेट आज से है, एंड डेट इसकी नहीं है कोई भी, हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एक फीचर जो है ये हम एक रेगुलर फीचर बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ड्रग सप्लाई करने वाले व्यक्ति के लिए ये जगह कम पड़े, वो ऊना जिले से बाहर रहे और हमारे यूथ जो है इस समस्या से बच सके।